हमीरपुर जनपद की बड़ी खबर, प्रभारी मंत्री की चौपाल के बाद गांव में लगी आग, दर्जनों घर जलकर हुए राख, लाखों का हुआ नुकसान, दमकल विभाग आग के सामने हुआ बेबस। सरीला तहसील के मंगरौट गांव में कल रात जिले के प्रभारी मंत्री मन्नूलाल कोरी का प्रवास था और प्रभारी मंत्री ने गांव के लोगों के साथ चौपाल लगाई हुई थी, जिसमें जिलाधिकारी सहित जिले भर के आला अधिकारी भी मौजूद थे। जैसे ही मंत्री जी की चौपाल समाप्त हुई, गांव में आग लग गई। आग लगने की वजह कूड़े के ढेर में आग लगना बताया जा रहा है, जहां पर किसी ग्रामीण ने चूल्हे से खाना बनाने के बाद बची हुई आग कूड़े के ढेर में फेंक दी, जिससे कूड़े ने आग पकड़ ली और उसी दौरान जोरदार आंधी तूफान आ गया, जिससे आग ने प्रचंड रूप धारण कर लिया। धीरे धीरे आग पूरे गांव में फैलने लगी और पूरे गांव में अफरा तफरी का माहौल हो गया, लेकिन लगातार चल रही आंधी से आग काबू में नहीं हो पा रही थी, जिस वजह से गांव के दर्जनों मकान आग की चपेट में आकर स्वाहा हो गए। मकानों के साथ ही ग्रामीणों की गृहस्थी का सामान, अनाज और उनके जानवर भी जल गए, जिससे गाँव वालों का लाखों का नुकसान हो गया। गाँव में VIP होने की वजह से जैसे ही दमकल विभाग को आग की खबर मिली तो आनन फानन गाँव पहुँचे, लेकिन फिर भी उनको गाँव पहुँचने में 2 घंटे लग गए। आग के सामने उनकी फायर मशीन नाकाफी साबित हुई और रात भर आग लगी रही। सुबह आग पर काबू पाया जा सका, जब तक दर्जनों मकान जलकर खाक हो गए। फिलहाल प्रभारी मंत्री और आला अधिकारी अभी भी गांव में डेरा डाले हुए हैं और ग्रामीणों की हर संभव मदद की बात कह रहे हैं और उनके हुए नुकसान का जायजा ले रहे हैं। मेरे गांव में आग लगी, कम से कम 50-60 जानवर जल चुके हैं, 10 भैंसे तो हमारी जली हैं। मतलब मकानों की तो कोई पता ही नहीं है कितनी संख्या जली, अब सुबह पता चलेगा कितने। मतलब जले एक एक घर में, मतलब गेहूं जल गया, लाही जल गई, 10 बोरा चना जल गए। 100 घर हमारे यहाँ जल चुके हैं और कम से कम 1 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान है। कैसे आग लगी? नाला से आई है वहाँ से, और आग यहाँ से सब पूरे मकान जलते हुए आंधी में सब जल चुके थे, पक्के कच्चे सब मकान। मशीन फायर ब्रिगेड की फायर ये मशीन आई है कम से कम 3 घंटा बाद। आपका कितना नुकसान हुआ? हमारा नुकसान करीब करीब 1.5 लाख से कम नहीं हुआ। नकद नाल भूसा पानी हर चीज़ हमारा जल खराब हो गया। हम जानवर कर 25-50 जानवर से कम नहीं हुए, जल गए बहुत बुरी तरह से। ब्रेव न्यूज़ लाइव के लिए हमीरपुर से हरी माधव मिश्र की रिपोर्ट।